Hello everyone, my name is Anil K. Sharma and welcome back to my channel Oracle Tech India. और इस वीडियो लेक्चर में वर्टिकल एंड मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे. तो इस वीडियो लेक्चर के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का टॉपिक फिनिश हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. तो आइए समझते हैं कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या है, मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन क्या है. फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि फ्रेगमेंटेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में वो तीन टाइप्स के होते हैं. तो टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में फ्रेगमेंटेशन तीन टाइप्स के होते हैं. पहले को हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, दूसरे को वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और तीसरे को मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के बारे में सारा कुछ बताया था और इस वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन के बारे में. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, तो आइए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में कैसे स्टोर किया जाता है. तो सबसे पहले जो है हमें समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में डेटाबेस का सेटअप कैसा होता है, उसके बाद कंपनी की इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है और उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या है. तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में जो है डेटाबेस का सेटअप कैसा होता है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में एक नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट होता है जहां पर मैश टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी का नेटवर्किंग सिस्टम होता है. उसके बाद नेटवर्किंग के किसी एक साइट पे जो है फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें डेटा स्टोर होगा, प्लस में प्रोसेसर और एक मेमोरी, इन तीनों को मिला करके नेटवर्किंग के एक लोकेशन पे ले जा कर के स्टोर कर दिया जाता है. तो पूरा का पूरा एक डेटाबेस का सेटअप तैयार हो जाता है. फिर इसी तरीके से नेटवर्किंग के दूसरे लोकेशन पे ले जा कर के एक डेटाबेस का सेटअप और तैयार किया जाता है जहां पर डेटाबेस के स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसर और मेमोरी होता है. उसके बाद तीसरे लोकेशन पे इसी तरीके से डेटाबेस का सेटअप तैयार किया जाता है. तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी को कितने लोकेशन पे डेटाबेस के सेटअप की ज़रूरत है. तो इस तरीके से नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में अलग अलग लोकेशन पे ले जा करके डेटाबेस का पूरा एक सेटअप तैयार कर दिया जाता है और उसके बाद कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन इंफॉर्मेशन को डेटाबेस सिस्टम में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में जाएगी, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में जाएगी, लोकेशन की इंफॉर्मेशन लोकेशन टेबल में जाएगी. तो इस तरीके से हर इंफॉर्मेशन के लिए टेबल्स बनाए जाते हैं और उसके बाद जो है टेबल्स को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में जहां पर अलग अलग साइट पे अलग अलग डेटाबेस का सेटअप है उन अलग अलग डेटाबेस के सेटअप पे ले जा करके टेबल्स को स्टोर कर दिया जाता है. तो टेबल्स को कैसे स्टोर करते हैं, तो टेबल्स की पार्टिशनिंग की जाती है. अगर तीन साइट्स है, तीन साइट पे डेटाबेस का सिस्टम है, तो टेबल्स को क्या करेंगे, अलग अलग टेबल्स को क्या करेंगे, उसकी तीन पार्टिशनिंग करेंगे और तीन पार्टिशनिंग करके एक पार्टीशन को जो है एक साइट पे ले जाकर के स्टोर कर देंगे डेटाबेस में, दूसरे पार्टीशन को दूसरे लोकेशन पे ले जाकर के स्टोर कर देंगे, तीसरे पार्टीशन को तीसरे लोकेशन पे ले जाकर के स्टोर कर देंगे. तो इसी को पूरे को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम.
अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम मैंने बता दिया, उसके बाद कंपनी की इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है, और टेबल्स की पार्टिशनिंग करके अलग अलग साइट्स पे डेटाबेस सिस्टम में ले जा कर के स्टोर कर दिया जाता है। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है वो भी बता दिया मैंने। आप समझते हैं एट्रीब्यूट्स क्या है। तो टेबल्स में जो कंपनी की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, तो लेट सपोज एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे, एम्प्लॉय नेम वो दूसरा एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय एज वो तीसरा एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय फोन नंबर ये चौथा एट्रीब्यूट है। उसी तरीके से एड्रेस, ईमेल, डिपार्टमेंट नेम, ये सारे क्या है एट्रीब्यूट्स के नेम है। इन्हीं को कॉलम्स नेम भी बोलते हैं। तो एक टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के नेम होते हैं। अब समझते हैं कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि वी कीप सम एट्रीब्यूट्स एट सम लोकेशन, नोट ऑल एट्रीब्यूट्स आर केप्ट वन लोकेशन। तो हम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं कि टेबल्स की जो एट्रीब्यूट्स होती है, टेबल्स के जो कॉलम्स के नेम होते हैं, उन कॉलम्स के नेम को तोड़ करके दो दो तीन तीन कॉलम्स नेम को जो है अलग अलग डेटाबेस के साइट पे ले जा करके स्टोर कर देते हैं। सारे कॉलम्स को एम्प्लॉय के जितने, एम्प्लॉय टेबल के जितने भी कॉलम्स है, अगर एम्प्लॉय टेबल को मुझे तीन साइट्स पे ले जा करके स्टोर करना है, तो एम्प्लॉय टेबल में जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स को हम एक लोकेशन पे ले जा करके स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि एम्प्लॉय टेबल के कुछ कॉलम्स को एक साइट पे ले जा करके स्टोर करेंगे, कुछ कॉलम्स को दूसरे साइट पे ले जा करके स्टोर करेंगे, और कुछ कॉलम्स को तीसरे साइट्स पे ले जा करके स्टोर करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को जो है इस तरीके से रखा जाता है स्टोर करके, तो इसी को कहते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। तो बेसिकली वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, स्प्लिट्स टेबल्स बाय कॉलम्स। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं, टेबल्स को कॉलम वाइज तोड़ देते हैं, मतलब कुछ कॉलम्स को एक साइट पे स्टोर करते हैं, कुछ कॉलम्स को दूसरे साइट पे, और कुछ कॉलम्स को तीसरे साइट पे, और इन तीनों साइट्स पे, तीनों जगह पे जो कॉलम्स होंगे, तो कुछ कॉलम्स इनमें कॉमन कॉलम्स भी होंगे। तो कैसे, देयर हैज टू बी सम कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन कॉलम्स बिटवीन फ्रेगमेंट्स इन ऑर्डर टू रीजॉइन द रिलेशन। तो एक टेबल्स को कॉलम वाइज तोड़ करके अलग अलग साइट्स पे जब हम स्टोर करते हैं, तो हर साइट पे, लेट सपोज एक साइट पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है, तो दूसरे साइट पे अगर मुझे फोन नंबर और एड्रेस को स्टोर करना है, तो फोन नंबर और एड्रेस के साथ मुझे एम्प्लॉय आईडी भी लेना पड़ेगा। जो पहले साइट पे एम्प्लॉय आईडी है, वही एम्प्लॉय आईडी मुझे दूसरे साइट पे भी लेना पड़ेगा, और तीसरे साइट पे लेट सपोज ईमेल और डिपार्टमेंट नेम को स्टोर करना है, ईमेल और डिपार्टमेंट नेम के कॉलम को स्टोर करना है, तो ईमेल और डिपार्टमेंट नेम के कॉलम के साथ मुझे एम्प्लॉय आईडी भी इसके साथ लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग साइट पे अलग अलग कॉलम, अलग अलग कॉलम्स को हम स्टोर तो कर रहे हैं, बट अलग अलग साइट पे एम्प्लॉय आईडी पहले साइट पे भी, एम्प्लॉय आईडी दूसरे साइट पे भी, और एम्प्लॉय आईडी तीसरे साइट पे भी ये कॉमन है। तो इस तरीके से अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अलग अलग साइट्स पे जो एक कॉलम होगा कम से कम वो कॉमन कॉलम होगा, कॉमन एट्रीब्यूट होगा, ताकि फिर से सारे फ्रेगमेंट्स को जो है हम जोड़ें, रिजॉइन करें, तो पूरा का पूरा हमारा ईएमपी का टेबल बन जाना चाहिए। तो अब नीचे समझते हैं और डिटेल में कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में एक टेबल को कैसे तोड़ करके अलग अलग साइट्स पे स्टोर किया जाता है। तो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है ईएमपी टेबल, और इसके ये कॉलम्स नेम है या एट्रीब्यूट नेम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय फोन नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम।
तो ये सारे क्या है, ये सारे कॉलम्स नेम है, सारे एट्रीब्यूट्स के नाम है। तो अब मैं एम्प्लॉय टेबल को क्या करना चाहता हूँ, दो साइट के ऊपर डेटाबेस में स्टोर करना चाहता हूँ। तो इस एम्प्लॉय टेबल को कॉलम वाइज मैं दो पार्ट्स में तोड़ लूँगा, और तोड़ने के बाद कुछ कॉलम्स को मैं एक साइट पे स्टोर कर दूंगा और कुछ कॉलम्स को मैं दूसरे साइट पे स्टोर कर दूंगा। तो लेट सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में हमारे पास दो साइट है, साइट वन और साइट टू, और उस साइट वन और साइट टू पे मुझे ईएमपी टेबल्स के कॉलम्स को वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, ईएमपी टेबल से एम्प्लॉय आईडी का कॉलम, एम्प्लॉय नेम का कॉलम, एम्प्लॉय फोन नंबर का कॉलम, एम्प्लॉय एड्रेस का कॉलम, एम्प्लॉय एज का कॉलम, इसको क्या करूँगा, इसका पूरा एक पार्टीशन बना लूँगा और उस पार्टीशन का नाम रखूँगा ईएमपी पर्सनल। इसका पूरा पार्टीशन बना करके मैंने एक डेटाबेस के साइट पर नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में, जो हमारा डेटाबेस का पूरा सिस्टम तैयार है, तो उस नेटवर्किंग के पहले साइट पे ले जा करके इन सारे कॉलम्स को, इसका पार्टीशन का नाम है ईएमपी पर्सनल, इसको स्टोर कर दूंगा। उसी तरीके से एक और पार्टीशन बनाऊंगा ईएमपी ऑफिशियल, और उसके कॉलम्स नेम होंगे डिपार्टमेंट नेम और ईमेल, और एम्प्लॉय आईडी मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी है, तो एक एम्प्लॉय आईडी हमें कॉमन रखना पड़ेगा, ताकि जब हम दोनों पार्टीशन को आपस में जोड़े तो ये ज्वाइन हो जाए आराम से। तो यहाँ पर आईडी का कॉलम ले लिया, डीपीटी नेम का कॉलम ले लिया, ईमेल का कॉलम लिया, और उसके बाद इस पार्टीशन को ले जा करके मैंने दूसरे साइट पे स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में एक एम्प्लॉई को कॉलम वाइज तोड़ करके अलग अलग साइट पे कैसे स्टोर करते हैं, कंप्लीट वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। तो कंप्लीट वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फ्रेगमेंटेशन को मैंने एक साइट पे ले जा करके स्टोर कर दिया। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि टेबल्स को कॉलम वाइज तोड़ करके, लेट सपोज दो या तीन कॉलम्स को मैंने एक साइट पे ले जा करके स्टोर कर दिया। तो एक साइट पे मैंने जो तीन कॉलम्स स्टोर किए हैं उसको फ्रेगमेंट वन बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन वन बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन वन को मैंने एक लोकेशन पे, एक साइट पे ले जा करके स्टोर कर दिया। उसी तरीके से कुछ और कॉलम्स है जो फ्रेगमेंटेशन टू है, उसको ले जा करके मैंने दूसरे लोकेशन पे डेटाबेस में स्टोर कर दिया। उसी तरीके से कुछ और कॉलम्स है, तो उस फ्रेगमेंटेशन को, यानी कि तीसरे फ्रेगमेंटेशन को मैंने जो है तीसरे लोकेशन पे डेटाबेस में जा करके स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो तीन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है, इन तीनों वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारा कंप्लीट वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन आएगा। उसके बाद हम रिलेशन को बनाना चाहते, मतलब लोकेशन वन पे एक फ्रेगमेंटेशन पड़ा हुआ है, लोकेशन दो पे दूसरा फ्रेगमेंटेशन, लोकेशन थ्री पे तीसरा फ्रेगमेंटेशन। तो जब हम फ्रेगमेंटेशन वन को यूनियन लगा करके फ्रेगमेंटेशन टू को, फिर यूनियन लगा के फ्रेगमेंटेशन थ्री को रखेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा रिलेशन आ जाएगा, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी टेबल बन करके हमारे सामने आ जाएगी। उसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन वन में, फ्रेगमेंटेशन टू में, फ्रेगमेंटेशन थ्री में, यानी कि लोकेशन वन, लोकेशन टू और लोकेशन थ्री पे जो कॉलम्स स्टोर किए गए हैं, उन तीनों लोकेशन के कम से कम एक कॉलम आपस में जो है कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसी को प्राइमरी की भी बोलते हैं। तो उस प्राइमरी की को, जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि मैंने दोनों साइट्स पे जो है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी मैंने कॉमन एट्रीब्यूट लिया था, तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं। तो इस तरीके की कॉमन आईडी को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो फ्रेगमेंटेशन वन इंटरसेक्शन फ्रेगमेंटेशन टू इंटरसेक्शन फ्रेगमेंटेशन थ्री को रख करके जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारी प्राइमरी की होगी। मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन, तो मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन जो है, इस वीडियो लेक्चर का
लास्ट टॉपिक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो है पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि मिक्स्ड या फिर हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो सिंपली जो मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का कॉम्बिनेशन है। तो पिछले दो लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा है। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था कि हम किसी भी टेबल्स को रो वाइज तोड़ करके डेटाबेस के अलग अलग साइट पे ले जा करके स्टोर करते थे। और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी टेबल्स को कॉलम वाइज तोड़ करके अलग अलग साइट पे ले जा करके स्टोर करना है। तो मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि कुछ टेबल्स को हम रो वाइज तोड़ करके अलग अलग साइट्स पे रखेंगे और कुछ टेबल्स को तोड़ करके कॉलम वाइज तोड़ करके अलग अलग साइट्स पे ले जा करके स्टोर करेंगे। तो जब इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन को अलग अलग साइट पे स्टोर की जाती है तो उसी को मिक्स्ड या हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो कैसे यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, वही ईएमपी टेबल है ये। इसमें एक कॉलम आईडी है, एक कॉलम नेम है, दूसरा एज है, तीसरा फोन, चौथा एड्रेस, पांचवा ईमेल और छठा डीपीटी नेम है। ये ईएमपी टेबल है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, कुछ इसके रोज जैसे आईडी है, एक से लेकर के 50,000 आईडी तक के रिकॉर्ड को मैं एक साइट पे ले जाकर के स्टोर कर दूंगा। फिर 50,000 से 1 लाख के आईडी तक को मैं दूसरे जो है साइट पे ले जाकर के स्टोर कर दूंगा। और उसी तरीके से ये तो मैंने रो वाइज, जैसा कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में होता था, रो वाइज तोड़ करके अलग अलग साइट पे ले जाकर के स्टोर कर दिया, ठीक है। और कॉलम वाइज में मैं क्या करूंगा, आईडी, नेम और एज और फोन नंबर को मैं एक साइट पे ले जा करके स्टोर कर दूंगा। और एक कॉमन कॉलम भी लेना है मुझे, तो आईडी के साथ एड्रेस, ईमेल और डिपार्टमेंट नेम को मैं अलग साइट पे ले जा करके स्टोर करूंगा। तो हमारा मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन बन जाएगा। तो इस डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें चार डेटाबेस के साइट्स है, साइट वन, साइट टू, साइट थ्री और साइट फोर। तो साइट जो है वन और साइट थ्री पे मैंने क्या किया, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन बना करके जो है स्टोर कर दिया। और साइट टू और साइट फोर पे मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बना करके मैंने स्टोर कर दिया। तो कैसे, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में मैंने क्या किया, वही आईडी ली मैंने, ईमेल, डीपीटी नेम, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू एचआर, एचआर डिपार्टमेंट लेकर के उसमें आईडी, ईमेल, डीपीटी नेम लेकर के मैंने साइट नंबर टू पे स्टोर कर दिया। और यही आईडी, यही ईमेल, यही डीपीटी नेम लेकर के डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस ले लिया मैंने। और फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो डेटा होगा वो आईडी होगा, ईमेल होगा, डीपीटी नेम होगा। तो आईडी, ईमेल, डीपीटी नेम ये साइट नंबर फोर पे जाकर के स्टोर होगा। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में यहाँ पर क्या है, रो वाइज इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जा रहा है। आईडी, ईमेल, डीपीटी नेम यहाँ भी स्टोर हो रहे हैं साइट टू पे, आईडी, ईमेल, डीपीटी नेम यहाँ भी स्टोर हो रहे हैं साइट फोर पे। बस ऊपर वाले का डिपार्टमेंट नेम एचआर है और नीचे वाले का डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डेटा को जो है रो वाइज तोड़ करके साइट टू और साइट फोर पे स्टोर करके रखा जा रहा है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले वाला यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस फोर्थ वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें जा करके देख लें तो आपको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन समझ में आ जाएगा और फिर आप यहाँ पे अच्छे से समझ जाएंगे। और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आईडी ले लिया, ईमेल ले लिया, डीपीटी नेम ले, ये तीन कॉलम ले लिए मैंने और डिपार्टमेंट का नाम रिसर्च है।
ये तीन अलग अलग कॉलम लेकर के साइट वन पे ले जा करके स्टोर कर दिया मैंने। और उसके बाद आईडी एक कॉमन कॉलम लेनी है मुझे, तो ले लिया। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन, उसका जो एज है, उसकी जो एज है वो, ये चार अलग कॉलम्स ले जा कर ले करके मैंने साइट थ्री पे स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वर्टिकल के फॉर्म में हो रही है, इसी को वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो मिक्स्ड और हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन जो है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन आ गया है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया है, तो दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो जो है मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का ये जो था, ये फिफ्थ वीडियो लेक्चर था, और ये यहीं पे फिनिश हो गया हमारा। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।